वकील साहिब सिंह जो जेल दे विच मुच्छां नूं दे रहा सी वट अते बहुत खुश दिख रहा सी, उच्ची उच्ची हस रहा सी, भंगड़े पा रहा सी। मौके ते मौजूद थानेदार ने इस गल दा स्पष्टीकरण दिता है। साध संगत जी, की है पूरी गल बात? तुसी साडे वीडियो दे विच बने रहे हो। साध संगत जी, पूरी गल बात तुहानू दसदे हां। साध संगत जी, साहिब सिंह दा नाम तां तुसी जानदे ही हो। तो साहिब सिंह ओह एक कौमी योद्धा है जिसने बेअदबी करन वाले जसवीर सिंह जसी नहीं कहांगे, क्योंकि सिंह नाम बदनाम किया इहो जिहे लोकां ने। बेशक उहने पग दे विच सिर फसा रख्या होवे, पर उहनूं सिख कहिण दा हक नहीं है। साध संगत जी, जिसने जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की, उस इंसान नूं असीं सिख नहीं कह सकते। बेशक उह सिख दे भेस दे विच कुछ भी बणिया फिरे। सो साध संगत जी, गल करन जा रहे हां साहिब सिंह दे बारे। साहिब सिंह ने उस पापी दा सौदा लाने की कोशिश की सी, गुरु महाराज ने बख्शिश की सी। जदों उस पापी नू कोर्ट दे विच लिया जा रहा सी, तां भाई साहिब सिंह ने अपना रिवॉल्वर कढ के उस पापी दे उपर तान दिता अते उसकी सौदा लगाउण की कोशिश की। उस उपरंत भाई साहिब सिंह नू हिरासत दे विच लै लिया गया है। सो गल करदे हाँ कि जो पापी जिसने बेअदबी की सी उह कुदरती मौत मारिया गया। साध संगत जी, गुरु महाराज ने उस तों बदला लै लिया है, और साध संगत जी मरे बाद भी उस नू लाणता ही पै रहियां ने। एक उर्दू विच कहावत है कि कितना बदनसीब होगा वो शख्स जिसे दो गज जमी भी नसीब ना हुई मरने के बाद। साध संगत जी, इन्ना बदनसीब जिन्हों मरन तो बाद किते कोई संस्कार नहीं करवाया जा रहा सी। पुलिस ने अपने आप रात गुप चुप तरीके दे नाल पटियाले विच उसका अंतिम संस्कार किया। साध संगत जी, कोई भी पाठी सिंह, कोई भी रागी सिंह उस दियां अंतिम रस्मां नहीं निभाएगा। ये भी जथेदार साहब ने बयान दिता सीगा कि जो रागी अते पाठी उन्हां दियां अंतिम रस्मां निभावेगा उसका भी बाइकाट किया जाएगा। सब तो वड्डा दुखी भी फिर उही होवेगा। साध संगत जी, अज आपां गल करन जा रहे हां कि भाई साहब सिंह जेल दे विच मुच्छां नूं वट दे के इन्ना खुश क्यों नजर आ रहा सी। मौके ते मौजूद थानेदार ने पूरी गल दी स्पष्टीकरण दिता है। साध संगत जी, साडा चैनल इस दी खोज दे विच निकलिया है अते पूरी सही जानकारी तुहानूं देवेगा। सो साध संगत जी, साडी इही कोशिश रहिंदी है कि असी सही जानकारी देईए ताकि सिख संगतां तक सही तो सच गल पहुंचे, ताकि संगतां किसी भी अफवाह वाली खबर दे विच गुमराह ना होण। तो साध संगत जी, गल करन जा रहे हां भाई साहब सिंह जी दे बारे। जेकर तुसी साडे चैनल ते नवे हो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन दबा दिओ, ताकि आउण वाली वीडियो दी नोटिफिकेशन जो है बड़ी आसानी नाल तुहाडे तक पहुंच जावे। साध संगत जी, साहिब सिंह जी दी गल करदे हां, जो थानेदार ने खुलासा कीता है कि साहिब सिंह मुच्छां नूं वट दे के उच्ची उच्ची हस रहा सी अते जकारे छड रहा सी जेल दीआं सलाखां दे पिछे, की कारण है? उह कारण तुहानूं दसदे हां, कारण जाण के तुहाडे होश उड जाणगे। साध संगत जी, सो साहिब सिंह बहुत खुश हो रहा सी, क्यों? क्योंकि उस पापी दा अंत हो गया है। साध संगत जी, साहिब सिंह नूं माण है, साहिब सिंह नूं विश्वास सी अपने गुरु महाराज दे उत्ते कि गुरु महाराज उस पापी दा अंत जरूर करनगे। सब तो पहलां गुरु महाराज उस दे अंदर वसे, भाई साहिब सिंह दे। साहिब सिंह उस दा अंत करना चाहिया अपने रिवॉल्वर दे नाल, पर खैर पुलिस ने उसनों बचा लिया। पर जो लिखियां करतार वो कदे मिट नहीं सकदियां। दो दिन बाद कुदरती मौत ही मारिया गया। तो उस गल नूं लैके साहिब सिंह अपने मुच्छां नूं वट दे के उच्ची उच्ची जयकारे छड रहा सी। साध संगत जी, मौके ते मौजूद थानेदार ने इस गल का खुलासा किया है कि भाई साहिब सिंह बहुत ज़्यादा खुश सी कि उस पापी का अंत जिसका वो साहिब सिंह खुद करना चाहता सी, गुरु महाराज ने बख्शिश की, गुरु महाराज ने आपे उस पापी तो बदला लै लिया है। साध संगत जी, तो साध संगत जी आओ पौने फतेह की सांझ, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।